नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे और आपके अपने चैनल में स्कोर प्लेयर। दोस्तों तो दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है, इस वीडियो में जो है हम फुटबॉल का मैच जो है कवर करेंगे, जो हमारा जो है ले लीगा का मैच है, जो है रियल बीट्स वर्सेस इबर के बीच में। तो ये जो मैच है, ये मैच जो है दोस्तों आज जो है 12:30 बजे जो है आपको जो है होने वाला है, रात को 12:30 बजे ये मैच जो है होने वाला है। तो ये जो मैच है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैच और डिफ़िकल्ट मैच होने वाला है। अगर आप इस मैच में जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको जो है स्मॉल इन्वेस्टमेंट जो है करनी चाहिए, क्योंकि इस मैच में जो है आपको जो है दोनों टीम जो है एक इक्वल लेवल पर जो है देखने को मिल जाएगी, जिसकी वजह से आपको जो है ये मैच जो है कॉम्प्लिकेटेड जो है हो सकता है। दोस्तों अगर बात करें दोनों टीम में से, तो दोनों टीम में से बहुत सारे चेंजेस आपको देखने के जो है ज़रूर मिल सकते हैं लाइनअप में, क्योंकि दोनों टीम जो है एक इक्वल टीम है। तो दोनों टीम के मोस्टली जो है मेरे को लगता है जो हमारी ईबर की टीम है उनमें जो है गोल कीपर के में जो है चेंजेस जो है हो सकते हैं, क्योंकि उनके जो गोलकीपर हैं रियल मैड्रिड के जो गोलकीपर हैं वो एक बहुत अच्छे जो हैं गोलकीपर हैं। तो जो हमारे ईबर के गोलकीपर हैं उनकी जो है डिफेंसिंग जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अगर हम बात करें रियल बिट्स की, तो रियल बिट्स के कंपैरिजन में जो उनकी जो डिफेंसिंग है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है दोस्तों। तो इसलिए जो है ये मैच जो है रिस्की होने वाला है। अगर बात करें वन साइड विन की, तो वन साइड विन जो है बहुत ही ज़्यादा कम होगा, मेरे को 50-50% चांसेस है कि जो है गोल जो है होगा, क्योंकि गोल जो है मेरे ख्याल से जो है नहीं होने वाला है इस मैच में। अगर गोल होगा तो भी जो है दोनों साइड से जो है गोल होने के जो है चांसेस हैं, और मोस्टली जो है ईबर की जो हमारी टीम है इनकी साइड से जो है गोल जो है आपको देखने को जो है मिल सकता है, लेकिन ये मैच जो है ड्रॉ भी जो है हो सकता है। दोस्तों अगर बात करें दोनों टीम के कंपैरिजन में, तो पब्लिक के डिमांड में जो आता है वो आता है कि जो हमारी जो रियल बिट्स की टीम है उनके जो है 47% चांसेस है कि ये जो है विन जो है कर सकती है, और बात करें ड्रॉ के दोस्तों तो ड्रॉ के आपको मिल जाते हैं 27% चांसेस। तो 27% चांसेस है कि ये मैच जो है ड्रॉ जो है होने वाला है दोस्तों। और हमारी जो ईबर की टीम है उनके जो है 26% चांसेस है, जो हमारी ईबर की टीम है उनके जो है 26% चांसेस हैं कि जो है ये मैच जो है विन जो है हो सकता है। दोस्तों अगर बात करें हमारी जो टीम है दोस्तों ईबर की, तो उनके जो है लास्ट मैच की बात करें तो अभी तक जो है 7 मैच जो है हुए हैं, जिसमें से 2 मैच जो है विन हुए हैं, 3 मैच जो है ड्रॉ हुए हैं, और दो मैच जो है ड्रॉ हुए हैं। तो मतलब क्या है, 2 मैच विन हुए हैं, 3 मैच जो है ड्रॉ हुए हैं, और 2 मैच जो है लॉस हुए हैं। मतलब जो है 2 मैच जो है विन हुए हैं, 3 मैच जो है ड्रॉ हुए हैं, और 2 मैच जो है लॉस हुए हैं, टोटल 7 मैच में से। और अगर बात करें दोस्तों गोल फॉरवर्डिंग और गोल अगेंस्ट की, तो जो हमारी ईबर की टीम है तो गोल फॉरवर्डिंग 9 गोल जो है फॉरवर्ड हुए हैं और 9 गोल जो है अगेंस्ट हुए हैं, और अभी जो है नेगेटिव पॉइंट जो है कोई भी जो है नहीं चल रहा है, इक्वल लेवल पे जो है चल रही है। अगर बात करें लास्ट के 2 मैच की, जो अगर लास्ट के अभी जो 2 मैच हुए हैं या लास्ट 5 मैच रिकॉर्ड की तो बात करें, तो लास्ट 5 मैच रिकॉर्ड में आपको जो है हमारी जो है ईबर की जो टीम है, हमारी जो ईबर की टीम है उनके जो है अगर लास्ट 5 मैच रिकॉर्ड की बात करें तो कुछ इस प्रकार जो है ईबर की टीम के जो रिकॉर्ड हैं। सबसे पहला मैच जो है विन हुआ है, दूसरा भी जो है मैच विन हुआ है, इसके बाद से जो इनकी परफॉर्मेंस जो है डाउन हो गई है दोस्तों, फिर उसके बाद ड्रॉ लॉस और लॉस। तो मतलब इनके जो स्टार्टिंग की परफॉर्मेंस थी वो जो थी बहुत अच्छी थी, लेकिन जो है एंडिंग में जो है लॉस जो है होने लगा, तो इसलिए जो ईबर की टीम है उनका परफॉर्मेंस जो है एकदम से जो है डाउन हो गया है दोस्तों। और अगर बात करें रियल बिट्स की, तो रियल बिट्स की टीम भी जो है हमारी जो है 7 मैच जो है खेल चुकी है दोस्तों, 7 मैच खेल चुकी है, और सेम स्कोर ही है, 2 विन 2 ड्रॉ और 3 जो है लॉस। यहाँ पे मैक्सिमम जो है लॉस हुए हैं ईबर की टीम की साइड से। और अगर बात करें इनकी भी लास्ट 5 मैच रिकॉर्ड्स की, पहले आपको बताते हैं गोल डिफेंस, गोल अगेंस्ट और गोल फॉरवर्ड। तो दोस्तों जो हमारी रियल बिट्स की टीम है उनके जो अगेंस्ट, मतलब जो उन्होंने फॉरवर्ड गोल में 10 गोल जो है वो फॉरवर्ड जो है करे हैं, फिर उसके बाद अगेंस्ट जो हुए 15। और बात करें दोनों के इक्वल लेवल पर, तो माइनस के जो है -5 जो है इनका जो है लग जाता है, जिससे जो है इनकी रैंक जो है आज की डेट पे जो है 15 नंबर रैंक पे जो है चल रहे हैं ये आज की डेट पे दोस्तों। तो आपको बता दें, अगर आपको बताएं कि रिकॉर्ड क्या है, तो रिकॉर्ड जो है ये चल रहा है कि इनकी जो स्टार्टिंग थी वो बहुत ही ज़्यादा गंदी है, लॉस, फिर आता है ड्रॉ, फिर आता है विन, फिर आता है ड्रॉ, और फिर आता है विन। तो मतलब कुछ इस प्रकार की जो है इनकी जो है स्टार्टिंग जो है चल रही है दोस्तों, कि जो है जो हमारी जो टीम है उनसे जो है अच्छा परफॉर्मेंस जो है ये कर रही हैं।
हाँ दोस्तों, अब आपको बताते हैं दोनों टीम के जो है बेस्ट सेवन की दोनों टीम के जो है बेस्ट सेवन जो है कौन कौन होने वाले हैं, तो वो आपको जो है बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम जो हमारी टीम है रियल बिट्स की जो टीम है उनके जो है बेस्ट सेवन के बारे में आपको जो है बताते हैं। सबसे पहले जो बेस्ट सेवन आपको बता देते हैं कि आपके पास जो है गोल कीपर, फॉरवर्ड, मिडफील्डर, डिफेंडर में से कौन कौन सी जो चॉइस आपको जो है देखने को जो है मिल सकती है। दोस्तों बात करें गोलकीपर की, तो गोलकीपर की चॉइस में आपको जो है जे रोबल्स आपको जो गोलकीपर की चॉइस में जो देखने को मिल जाएंगे। फिर आपके पास जो एक चॉइस आती है वो एक बहुत अच्छी चॉइस आती है आई इमराज जो है आपके पास जो EIB की चॉइस आती है। आपके पास आते हैं इमर्सन, इमर्सन जो है आपको जो गोल करने के स्कोरर में जो है दिख सकते हैं, गोल जो है ये कर सकते हैं, तो आपके पास जो है ये एक बहुत अच्छी चॉइस जो है आने वाली है दोस्तों इमर्सन की तरफ से। फिर अगर बात करें दूसरी चॉइस आपके पास आती है एम बत्रा भी आपके पास जो एक बहुत अच्छे ऑप्शन में जो देखने को जो है मिल जाएंगे जो आपके पास आते हैं डिफेंडर की रेंज में। बात करते हैं मिडफील्डर, तो मिडफील्डर की रेंज में अगर बात करें हम हमारी जो टीम है रियल बिट्स की, तो वो आपको जो है देखने को मिलेंगे एस कैनल्स आपको जो है देखने को मिल जाएंगे। फिर आपके पास जो चॉइस आती है वो आती है ए मोरो जो आपके पास एक बहुत अच्छी चॉइस आती है और आपको जो देखने को जो है मिल जाते हैं ए मोरस हैं वो आपको जो देखने को मिल जाएंगे। फिर अगर बात करें हमारी ए मोरस की, तो एक मोरस जो है आपको जो है ए मोरस यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेंगे वो आपके डिफेंडर की रेंज में है। फिर आपके पास आते हैं एस कैनल्स जैसे कि हमने जो है चूज़ कर लिए हैं एस कैनल्स। फिर आपके पास आते हैं डब्लू कार्वो ये आपको जो है देखने को जो है मिल जाते हैं मिडफील्डर की रेंज में। और बात करें फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड की रेंज में हमारे पास जो चॉइस आती है वो आती है बिगलेस एक बहुत अच्छी चॉइस आती है और एल मोरन जो भी है आपको वो भी एक बहुत अच्छी जो चॉइस जो है देखने को मिल जाती है। तो आपके पास जो ऑप्शन आते हैं फॉरवर्ड में से बेस्ट सेवन के, तो आपके पास ये दो ऑप्शन आते हैं जिनमें से आप चेंजेस करके जो है लेके जो है चल सकते हैं, ये बेस्ट सेवन जो आप जो है यूज़ जो है कर सकते हैं दोस्तों। तो बात करें अब दूसरी टीम जो हमारी दूसरी टीम होने वाली है, अगर उसकी बात करें ईबर जो हमारी दूसरी टीम ईबर होने वाली है, अगर उस टीम के बेस्ट सेवन की बात करें तो आपको बता देते हैं उस टीम के बेस्ट सेवन में से कौन कौन से प्लेयर जो है आपको जो देखने को जो है मिल जाएंगे दोस्तों। तो बात करते हैं ईबर की टीम के बेस्ट सेवन से, तो ईवर की टीम में जो हमारे बेस्ट सेवन है उसमें जो आपको जो मोस्टली जो प्लेयर जो हैं वो देखने को मिलने वाले हैं वो आपके जो होने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ जो हमारे पास आएंगे ईवर की टीम के। तो सबसे पहले बात करें फॉरवर्ड की, तो फॉरवर्ड में आपको जो है आपको मिलेंगे एफ ओरिल्ला आपको जो फॉरवर्ड के ऑप्शन में जो है मिलेंगे, लेकिन आपको जो है वो मिडफील्डर की रेंज में जो है मिलेंगे ये रहे आपके एफ ओरिल्ला आपको जो है फॉरवर्ड की रेंज में जो है मिल जाएंगे। फिर आपको मिलते हैं टी इनू भी जो है आपको जो है मेरे ख्याल से मिडफील्डर की रेंज में ही बाद देखने को मिल जाएंगे टी इनू ये रहे मिडफील्डर की रेंज में। फिर आपके पास आते हैं ई एक्सपोज जो है आपको जो है वो भी आपको जो है मिडफील्डर की ही रेंज में मिलेंगे ई एक्सपोज भी आपके पास एक बहुत अच्छी जो है चॉइस आती है। फिर आपके पास आते हैं जी स्क्लैंट आपको जो है देखने को मिलेंगे आपको जो है जी स्क्लैंट भी आपको जो है मिडफील्डर की रेंज में जो है देखने को मिलेंगे। फिर आपको जो अदर प्लेयर जो है देखने को मिलेंगे वो आपके पास आते हैं आई रामिस भी आपको जो है देखने को मिल जाएंगे आई रामिस भी आपके पास एक अच्छी बहुत अच्छी जो है चॉइस आती है। फिर आपके पास जो अदर ऑप्शन में जो है चॉइस आती है अगर उनकी बात करें तो वो आपके पास आती है पी ओलिव जो है आपको जो लाइनअप में जो देखने को जो है मिल सकते हैं। अगर नहीं होते हैं तो आपके पास एक जो है चॉइस आती है आई रामिस आपके पास एक बहुत अच्छी जो है चॉइस आती है। फिर आपके पास आती है पी डी बेल्सी भी जो आपको जो शायद जो है मिल देखने को जो है मिल जाते हैं लाइनअप के ऑप्शन में, लेकिन आपको जो है अगर बेस्ट लाइनअप के ऑप्शन में देखने को मिले तो आपको मिल सकते हैं जे एंजल्स भी आपको जो है लाइनअप के ऑप्शन में जो है मिल जाएंगे, लेकिन ये रहे जे एंजल्स भी आपको जो है लाइनअप के ऑप्शन में जो है मिल जाएंगे। तो ये जो है हमारे जो है बेस्ट सेवन होने वाले हैं जिसमें आपको जो है एम डेमोट्रिक आपको जो है गोलकीपर की चॉइस में जो है मिल जाएंगे। तो ये जो है ये हमारी बेस्ट सेवन टीम जो है हो सकती है, जो अगर हम बात करें ईबर की टीम की तो ईबर की टीम जो है ये हमारी जो बेस्ट सेवन हो सकती है। इसमें से जो है फॉरवर्ड के ऑप्शन में अगर बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन में, तो कैप्टन और वाइस कैप्टन के ऑप्शन में आपके पास ये दो चॉइस जो है एक बहुत अच्छी चॉइस आती है एफ ओरिल्ला आपके पास कैप्टन और ई एक्सपोर्ट या आपके पास जो है वाइस कैप्टन के ऑप्शन में जो है दोनों जो है दोस्तों जो है बहुत अच्छे प्लेयर है और बहुत अच्छी जो है चॉइस आती है दोस्तों।
तो अगर आपको बता दें दोस्तों, अगर आप अभी भी हमारे साथ हमारी इस वीडियो पे बने पड़े हैं और आप नए हैं हमारे चैनल पे, तो हमारे चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे आपको जो सब्सक्राइब का बटन जो है मिल जाएगा, उसको जो है प्रेस कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को जो है ऑल पे जो है कर देना दोस्तों। और जैसा कि आपको पता है, फुटबॉल का लाइनअप जो आधे घंटे पहले आता है, तो आपको जो है लाइनअप जो हमारे जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक जो आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आप अगर टेलीग्राम पर हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आपको जो है फाइनल टीम की तरफ जो है लेके चलते हैं, तो आपको बताते हैं कि फाइनल टीम जो है हमारी जो है कौन सी होने वाली है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, फाइनल टीम बताने से पहले आपको बता दें, अगर आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। यहाँ पे जुड़ने से आपको जो है बहुत सारे जो है फायदे होने वाले हैं। अगर कोई प्लेयर में चेंजेस आते हैं या कोई इंजरी न्यूज़ होती है, तो वो आपको जो हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू जो है पता चल जाएगी। आपको जो है लास्ट मिनट में भी अगर कोई चेंजेस आते हैं, वो आपको जो हमारे टेलीग्राम पर जो है मिल जाएगी। आपको जो लाइनअप अपडेट जो है सबसे पहले मिल जाएगा। लाइनअप से आपको एक बहुत अच्छी जो चॉइस हो जाती है। आपको जो प्लेयर की जो पोजीशंस है वो पता चल जाती है। उनसे आपको क्या मिलता है, उनसे आपको जो बहुत सारी चीज़ें जो है नई की नई चीज़ें जो है समझ में आ जाती हैं कि प्लेयर जो है कौन सी पोजिशन से जो है खेल रहा है दोस्तों। तो आपको जो हमारी इस टीम से जो कैप्टन वाइस कैप्टन की बेस्ट चॉइस मिल जाएगी। ग्रैंड लीग की जो है टीमें देखने को मिल जाएंगी। हेड टू हेड, थ्री मेंबर, फोर मेंबर, ये सब सारी जो है टीमें जो है आपको देखने को मिल जाएगी। आपको सबसे पहले क्या करना है, नीचे जाके आपको जो है टेलीग्राम का जो है लिंक मिलने वाला है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस पे जाके जो क्लिक करके जो ज्वाइन हो जाइए। अगर जो है लिंक जो है काम नहीं करता है, तो आपको क्या करना है, जस्ट नॉर्मल आपको जो टेलीग्राम पे जाके ड्रीम इलेवन स्कोर प्लेयर सर्च करना है। 533 सब्सक्राइबर के साथ आपको जो है हमारे चैनल जो है मिल जाएगा। तो आप जो है उसमें जो है ज्वाइन हो जाइए और आप भी हमारे फैमिली का हिस्सा जो है बन जाइए दोस्तों। तो चलिए आपको जो है टीम की तरफ लेके चलते हैं, बेस्ट प्लेइंग 11 आपको जो है बता देते हैं दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, अब बात करते हैं RB वर्सेस EIB के बेस्ट प्लेइंग 11 की। तो सबसे पहले हमने जो इस वीडियो में फर्स्ट प्रेफरेंस लेके गए हैं, वो हम जो है RB की जो हमारी टीम है उनको जो है फर्स्ट प्रेफरेंस जो है लेके गए हैं दोस्तों। तो आपके पास जो गोलकीपर में चॉइस आती है, वो जो है आपके पास चॉइस आती है रियल बिट्स की टीम से, जो है हमारे पास जे रोबल्स आपके पास एक बहुत अच्छी चॉइस आती है रियल बिल्स की टीम से। फिर बात करें डिफेंडर, डिफेंडर के ऑप्शन में आपको जो है आपको मिल जाएंगे आर रैमिस एक बहुत अच्छी चॉइस है। इमोशन जो है आपको जो लाइनअप में जो है देखने को मिल जाएंगे। ए आर बीला में जो है डाउट हो सकता है, लाइनअप में आपको जो है देखने को मिल सकते हैं, नहीं देखने को मिल सकते हैं। फिर आपके पास जो अदर ऑप्शन में आते हैं, वो आते हैं जे एंजल भी आपको जो है लाइनअप में जो देखने को जो है मिल सकते हैं दोस्तों। अब बात करें मिडफील्डर की, तो मिडफील्डर के बेस्ट मिडफील्डर जो है वो आपको जो मिल जाएंगे एंड फकीर भी आपके पास एक बहुत अच्छे ऑप्शन में आते हैं। एस कैंडल्स और जैकविन, ये तीन ऑप्शन जो है आपके पास जो है बहुत अच्छे ऑप्शन में आते हैं रियल बीट्स की टीम से। और ये इनमें से मोस्टली जो है आपको जो है असिस्ट या गोल करते हुए जो है दिख सकते हैं, अगर दोनों साइड से जो है गोल जाते हैं दोस्तों। तो अगर बात करें अदर मिडफील्डर के ऑप्शन में, तो आपके पास आते हैं एफ ओरिलाना भी आपके पास एक बहुत अच्छे ऑप्शन में आते हैं अदर मिडफील्डर के ऑप्शन में अगर बात करें तो। फिर बात करें फॉरवर्ड की, तो फॉरवर्ड में आपके पास दो चॉइस ही देखने को मिल जाएगी, जो हमारे पास है एल मोरोन और बी इग्नेस। ये आपके पास जो दो हैं एक बहुत अच्छी चॉइस जो है रियल बिट्स की टीम से जो है देखने को मिल जाती है दोस्तों फॉरवर्ड के ऑप्शन से, जो कि आपके लिए जो है मेन हो सकते हैं दोस्तों। तो बात करें टीम प्रीव्यू की, टीम प्रीव्यू में आपको बता देते हैं ये जो है ये हमारी फाइनल टीम होने वाली है। ऑलमोस्ट अगर इस टीम में कोई चेंजेस होंगे तो वो चेंजेस आपको जो टेलीग्राम चैनल पर जो है देखने को जो है ज़रूर मिल जाएंगे। तो लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो मिल जाएगा। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जो है जुड़ जाइए। और अगर बात करें कैप्टन और वाइस कैप्टन की, तो आपको बता देते हैं कि कैप्टन और वाइस कैप्टन की आपके पास जो है कौन सी जो है चॉइस आती है और कौन से प्लेयर को जो आप जो है कैप्टन वाइस कैप्टन जो है बना के जो है इस टीम में जो है लेके जो है यूज़ जो है कर सकते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो कैप्टन वाइस कैप्टन के पास आपके पास जो चॉइस आती है वो आपके पास जो आती है, आपको बताते हैं आपके पास जो कौन सी जो चॉइस आती है कैप्टन वाइस कैप्टन की। तो कैप्टन वाइस कैप्टन की अगर बात करें चॉइस की, तो आपके पास जो चॉइस आती है उसमें आपको जो है सबसे ज़्यादा प्लेयर अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास कौन सी अच्छी चॉइस आती है, तो आपको जो एल मोरन आपके पास अगर पॉइंट बेसिस पे बात करें, तो एल मोरन आपके पास एक बहुत अच्छी जो चॉइस आ सकती है कैप्टन और वाइस कैप्टन की रेंज में। फिर आपके पास आते हैं एन फेकर जो आपको जो है वाइस कैप्टन की रेंज में जो आपके पास जो है चॉइस आती है। और दोस्तों, अगर इस टीम में कोई चेंजेस होंगे, वो चेंजेस आपको जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर देना। लाइक एम रखेंगे दोस्तों, अगर लाइक एम की बात करें तो लाइक एम रखते हैं हम नॉर्मल 15+ लाइक। आई होप आप लोग जो है करवा देंगे। तो जो भी भाई लोग यहाँ तक पहुँच चुका है और वीडियो देख रहा है, तो वो लाइक जो है ज़रूर करके जाना। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को जो है यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।